हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। चौले चाट बनाने के लिए हम एक कटोरी चौले या लोबिया लेंगे। यह मार्केट में दो तरीके का आता है, एक इसे काफ़ी छोटे साइज का होता है और दूसरा इस साइज में आता है। इसे जल्दी सोख करने के लिए मैं यहाँ इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से यह एक घंटे में ही सोख हो जाता है। इसे ढककर एक घंटे तक ऐसे ही रख देंगे। एक घंटे के बाद हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, लोबिया अच्छी तरह से सोख हो गया है। छन्नी से इसे छानकर इसका पानी अलग कर देंगे और इसे हम कुकर में डालेंगे। एक मीडियम साइज का आलू छीलकर लोबिया के साथ डालेंगे। आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके इसे एक सीटी आने तक उबालेंगे। ये देखिए, लोबिया और आलू अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। आलू को निकाल कर अलग रख लेंगे। हमें इसे इतना ही उबालना है जिससे कि लोबिया की शेप खराब ना हो और आलू बहुत ज़्यादा ना टूटे। और लोबिया को थोड़ी देर तक छन्नी में डालकर रख देंगे। इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे और जो आलू हमने बॉयल किया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छन्नी में जो लोबिया हमने रखा था उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें कटे हुए आलू डालेंगे। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ खीरा डालेंगे। ग्रेट की हुई गाजर डालेंगे। चुकंदर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। एक मीडियम साइज के नींबू का रस डालेंगे। यहाँ मैं भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक मिक्स करके डाल रही हूँ। एक चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार नमक और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे एक बड़े चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी तरह से लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, सुपर हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बहुत सारी वेजिटेबल्स और बीन्स का एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आप इसे बहुत ही कम मेहनत के साथ फटाफट से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही कम मेहनत के साथ बहुत जल्दी बन जाता है और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।